तो गाइज आज की जो मेरी वीडियो है वो लॉन के कुछ सिंपल ड्रेसेस के डिजाइनिंग पे है, तो आइए देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स ये जनरेशन का ड्रेस है, आप इसको पहले एक दफा प्रॉपर पूरा देख लें। अच्छा फ्रेंड्स ये जो ड्रेस है ये एक फ्रॉक बना हुआ है और इसका ये फ्रंट है और ये इसकी है बैक की साइड। तो पहले मैं आपको इसके फ्रंट की साइड दिखाती हूँ सारी कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह हुई हुई है इसमें। अच्छा तो इसकी फ्रंट में भी बॉडी है और इसकी बैक में भी जो है वो बॉडी बनी हुई है। अच्छा बॉडी के बीच में अब ये नेक का डिज़ाइन जो है ये अलग से इन्होंने एक पीस काट के जो है वो बीच में लगाया है और साइड्स पे जो बॉडी की जो वैसे तो पूरा इन्होंने चुनट यूज़ किया लेकिन जो बीच वाली जगह है वहाँ पे तो ये नेक का डिज़ाइन आ गया और ये जो साइड्स है उसमें सारी चुनट है, ये जो छोटी बारीक चुनट होती है वो सारी की सारी इस फ्रॉक के अंदर है। ठीक है इस फ्रॉक को ज़्यादा घेर देने के लिए इसके अंदर ये साइड्स पे दोनों साइड्स पे पैनल्स यूज हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और ये ही सेम बैक साइड पे भी इसी तरह। फ्रॉक का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ और ना ही कोई डिज़ाइन है इस पे। अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स पे, तो इसके जो स्लीव्स हैं वो बहुत खुले नहीं हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं और सीधे हैं और क्योंकि ये थोड़े नैरो हैं तो ये आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं, तो इसके लिए इन्होंने ये बटन यूज़ किया हुआ है और छोटा सा इन्होंने स्लिट दिया है यहाँ पे। स्लीव्स के ऊपर इन्होंने ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की है डिफरेंट थ्रेड्स की डिफरेंट कलर्स की और ये जो स्लीव्स हैं ये पूरे आपके पूरे बाजू के स्लीव्स हैं। ठीक है ये कोई थर्ड हाफ या कुछ नहीं है, ये पूरे आपके बाजू आपकी कलाई तक आएंगे। अब देखते हैं इसकी बैक को, तो आप देख सकते हैं कि इसकी बैक पे भी सेम वही जो चुनट है वो पूरी इसकी बॉडी पे बनी हुई है। ठीक है और बैक के ऊपर एक छोटा सा मोटिव बना हुआ है, ये मोटिव जिस तरह के थ्रेड्स जो हैं ये बाजू पे छोटे छोटे इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ था वही सारे थ्रेड्स के कलर्स जो हैं वो इसकी बैक साइड पे यूज़ हुए हैं और ये कोई हाथ की जो है ना वो हुई हुई है कढ़ाई हुई हुई है इस पे, तो आप इस पे कोई मोटिव भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लेस का भी कुछ बना के यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह की मशीन की जो है वो कढ़ाई भी करवा सकते हैं और हाथों की भी हो सकती है। ये है इसका ट्राउज़र जो स्ट्रेट बना हुआ है बिल्कुल और इसमें जो है बीच में पीस लगा के और साइड्स पे दोनों साइड्स पे जो थ्रेड के कलर्स थे और जो इस फ्रॉक का प्रिंट था उसी कलर्स के इन्होंने पाइपिंग यूज़ किए दोनों साइड्स पे। तो गाइस ये खाड़ी का एक अनस्टिच सूट था, तो सबसे पहले इसकी नेक को नेकलाइन देखते हैं कि इसकी नेक पे क्या डिज़ाइन हुआ है। तो इसकी नेक पे ऑलरेडी इसके पूरे फ्रंट पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ठीक है तो इसको ज़्यादा कुछ किया तो नहीं जा सकता था, तो जो इसका ट्राउज़र था उसका जो कपड़ा था उसकी सारी पाइपिंग इसके गले पे हो गई बेगला। ठीक है और जो बटन्स इसके जो स्लीव्स थे उनमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक था, तो इस ब्लैक को थोड़ा इन्हांस करने के लिए मैंने ब्लैक बटन यूज़ किए और एम्ब्रॉयडरी के दोनों साइड्स पे मैंने ब्लैक लेस यूज़ की। ठीक है वही ब्लैक लेस मैंने इसकी चॉक्स पे भी यूज़ की और इसके दामन पे भी यूज़ की, सेम बैक पे भी और सेम ही बाजू पे भी। अब देखते हैं इसके ट्राउज़र को, तो ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र में छोटा छोटा प्रिंट था तो इसको मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, वैसे ट्राउज़र्स को ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि शर्ट अगर इतनी ज़्यादा आपके एम्ब्रॉयडर्ड हो तो ट्राउज़र्स को प्लेन ही रहना चाहिए। तो इस ट्राउज़र को मैंने थोड़ा खुला खुला बेल शेप में बनवाया है और शर्ट की लेंथ मैंने लंबी रखी है। ठीक है तो गाइज ये है हमारा थर्ड डिज़ाइन, इसका ओवरलुक है। अब देखते हैं इसकी डिज़ाइन, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये सूट था खाड़ी का। ठीक है ये टू पीस सूट था और ये सिंपल जैसे सूट होते हैं नॉर्मली जिनके होते हैं, शर्ट अलग से होती है, शर्ट के साथ होता है दामन और बाजू का पीस अलग से देते हैं और एक अलग से नीचे देते हैं ट्राउज़र के लिए पीस। ठीक है तो हम लोग हमेशा ही ट्राउज़र को प्लेन बना के और शर्ट जिस तरह वो देते हैं उसी तरह बना लेते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करती हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, जो बाजू का पीस था उसमें मैंने फ्रंट और बैक साइड पर मैंने
ये इसकी बॉडी बना दी, ठीक है। अब जो इसका ट्राउजर का पीस था, उसके ट्राउजर के पीस को मैंने बाजू में यूज किया और फ्रंट के ये जो पाइपिंग हुई हुई है सारी इसमें यूज कर लिया और बैन गला ये बना लिया, ठीक है। तो ये एक मेरी फ्रॉक बन गई। अच्छा, जो नीचे बॉर्डर के लिए दिया जाता है डिज़ाइन, उसको मैंने कटवा के ऊपर डलवा दिया इसके बॉडी के नीचे, जहाँ पे आई छोटी छोटी चुन्नट। तो ये हम बॉर्डर नीचे आने की बजाय मैंने इसको ऊपर कर दिया, बॉडी के साथ अटैच कर दिया और नीचे मैंने इसको प्लेन ही रहने दिया। जिस तरह बॉडी में छोटी छोटी चुन्नट थी, उसी तरह सेम मैंने बाजू में भी करवा ली, ठीक है। मैंने तो वैसे तो इसकी इधर ऊपर भी शोल्डर्स पे भी करवानी थी यहाँ तक, लेकिन वो नहीं हो पाई और मैंने यहीं तक इसको रहने दिया और सिर्फ इसी जगह पे करवाई। जो इसका बॉडी का पीस था वो मैंने यूज़ किया इसके स्लीव्स के ये कफ से बनाने में, ठीक है। तो इस तरह ये एक सादा सा टू पीस सूट जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी फ्रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस, नेक्स्ट डिज़ाइन है मेरा इस खादी की शर्ट पे, आए इसको देखते हैं। गाइस, ये वो शर्ट्स हैं जो अक्सर खादी पे भी और डिफरेंट आउटलेट्स पे सिंगल सिंगल शर्ट्स पड़ी होती हैं। तो ये मैंने दो शर्ट्स ली और एक को एज अ शर्ट यूज़ किया और एक को एज अ ट्राउज़र मैंने यूज़ कर लिया। अब इसमें होते हैं बॉर्डर्स भी, तो मैंने इसको सबसे पहले तो ये आप देख लें, मैंने इसको कुर्ता स्टाइल में बनाया है, ठीक है। ये देखें इसका सारा बीच में जो पैनलिंग आती है कुर्ते में, उस जो स्टिच हुआ है उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा लगा दिया इसका बॉर्डर, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, ठीक है। ये लग गया। अब इसके बाद इस शर्ट, क्योंकि ये प्लेन शर्ट थी तो इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए मैंने इसके नेकलाइन पे वो छोटी लेस यूज की पिंक कलर में, और वही लेस मैंने इसके स्लीव्स के आगे भी यूज की डबल करके, ठीक है। और इसके चॉक्स पे भी, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, ठीक है। ये थोड़ी मैंने शॉर्ट शर्ट बनाई थी, इसके नेक पे मैंने ये छोटा सा ड्यू ड्रॉप की तरह से एक छोटा सा कट दिया, ये बहुत प्यारा लगता है, ये आप ज़रूर बनवाइएगा। अच्छा, तो इसके साथ ट्राउज़र बनाने की बजाय मैंने इसके साथ एक शलवार बनवा ली और नीचे उसके भी वही लेस लगा दी। समर्स हैं, समर्स में शलवार पहनना बहुत ईजी होता है, तो इसलिए मैंने शलवार बनाई। तो गाइज, ये थे आज के कुछ लॉन के ड्रेसेस के डिज़ाइंस। अगर आपको पसंद आए हों तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।